ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 20 और हमारे पास चैप्टर की जो स्टेटमेंट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होता है. उससे पहले जो है वो हम ये भी जानना ज़रूरी है कि व्हाट दिस वर्ड स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा मीन्स. सो स्पेक्ट्रम एक ओरिजिनल वर्ड है, उसका जो आप ये कह लें कि एक प्लूरल वर्ड है वो स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है. सो स्पेक्ट्रम होता क्या है? स्पेक्ट्रम इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और ये किस चीज़ से डील करती है? ये हमें देती है इंफॉर्मेशन अबाउट द वेवलेंथ्स एंड इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी. सो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है. स्पेक्ट्रम जो है, आप ये कह लें कि स्पेक्ट्रम, या फिर इसको हम यूँ ले लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दे देते हैं, ठीक है. बेसिकली हम ब्रांच का नाम ले रहे हैं तो फिर हम इसको थोड़ा वर्ड चेंज करके स्पेक्ट्रोस्कोपी कह देते हैं. सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम क्या करते हैं, वेवलेंथ्स को या फिर इंटेंसिटीज को जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की होती हैं जो किसी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही हैं या फिर उस बॉडी से एमिट आउट हो रही हैं, उनको जो है वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं. तो ऐसी ब्रांच को जो है वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, कहाँ ये चीज़ें की जाती हैं? अब आपने देखा होगा कि जब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का टॉपिक स्टडी किया था तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने क्या बात ऑब्जर्व की थी? हमने देखा था कि एक मटेरियल था जिसे हमने ब्लैक बॉडी कहा था, उसमें एक होलो कैविटी की थी, उसमें रेडिएशंस को एमिट आउट किया था, और फिर उस ब्लैक बॉडी में से कुछ रेडिएशंस जो हैं वो आपने ऑब्जर्व किया था बाहर की तरफ एमिट आउट हुई थी. अब वो जो रेडिएशंस बाहर एमिट आउट हुई थी, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही थी, बट हमें नहीं पता कि उनकी वेवलेंथ क्या है, उन रेडिएशंस की इंटेंसिटी क्या है. तो ये तमाम काम करने के लिए, उनकी वेवलेंथ्स को और उनकी इंटेंसिटीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हमने एक फिज़िक्स की नई ब्रांच बना दी जिसको हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दिया. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी के वर्ड से हम जो है वो जाएंगे कहाँ पे, स्पेक्ट्रा की तरफ या स्पेक्ट्रम की तरफ, ठीक है. बेसिकली स्पेक्ट्रम एक वर्ड है और उसका प्लूरल जो है वो आप कंसिडर कर लें कि स्पेक्ट्रा होता है. सो स्पेक्ट्रम जो है वो किसे कहते हैं, उसको जो है वो हमने कंसिडर करना है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्पेक्ट्रा होता है ना, वो स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रास, वो तीन तरह के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, ठीक है. सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो होता है कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रा. अब कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास जो है वो कोई बॉडी है जिसमें से रेडिएशन जो है वो एमिट आउट हो रही हैं, और वो जो रेडिएशन एमिट आउट हो रही हैं उनके अंदर आपके पास कॉन्टीन्यूम ऑफ वेवलेंथ्स हैं, यानी हर तरह की जो है वो आपके पास उसमें वेवलेंथ मौजूद है, हर रेंज की वेवलेंथ मौजूद है. तो इसका मतलब है कि आपके पास जो स्पेक्ट्रा फॉर्म होगा वो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रा जो है वो कहलाता है, ठीक है. तो स्पेक्ट्रा बेसिकली जो है वो हमारे पास क्या है कि एक, आप ये कंसिडर कर लें कि एक सेट जो है वो वेवलेंथ का जो है वो एक ऐसा, आप ये ले लें कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स और इंटेंसिटीज की वैल्यू जो है वो एक्सप्लेन की जाती हैं. तो अगर आपके पास वेवलेंथ्स का ऐसा सेट मौजूद है, एक ऐसा मजमूआ मौजूद है जिसके अंदर कॉन्टीन्यूम ऑफ वेवलेंथ है, यानी कॉन्टीन्यूसली हर वैल्यू की वेवलेंथ आपके पास जो है वो आपको मिल रही है, कॉन्टीन्यूसली वेवलेंथ मिल रही है. यानी फॉर एग्जांपल पहले आपको मिली 1 नैनोमीटर, तो उसके फ़ौरन बाद आपको 1.1 नैनोमीटर भी मिल रही है, यानी कॉन्टीन्यूसली वेवलेंथ्स आपको मिल रही हैं. तो ऐसा जो स्पेक्ट्रम होता है या स्पेक्ट्रा होता है उसको हम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं. सेकेंड पे आता है हमारे पास स्टूडेंट्स बैंड स्पेक्ट्रा. सो बैंड स्पेक्ट्रा अब क्या होगा? अब अगर हमारे पास ऐसा सेट जो है वो वेवलेंथ्स का मौजूद है जिसके अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है. क्या बने हुए हैं? ग्रुप्स बने हुए हैं किस चीज़ के? वेवलेंथ्स के या फिर इंटेंसिटीज के.
तो वो ग्रुप्स जो हैं वो बेसिकली किसकी शक्ल में आ जाते हैं, वो आपके बैंड्स की शक्ल में आ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट जो हमारा है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसको अब हम जो है वो इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो क्या होता है, ठीक है, उसको जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, गैस ले लेते हैं, लाइक एक हाइड्रोजन गैस थी हमारे पास, ठीक है। इस हाइड्रोजन गैस को हमने कुछ जो है वो करना है कि इस गैस को बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर पे कंसिडर करना है। जब इस गैस को हमने लो प्रेशर पे कंसिडर किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस जो है वो भरी हुई है और इसका प्रेशर जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लो है। हमने इस गैस के ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा देना है, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही इस गैस में से पास होगा तो होगा क्या, इस गैस के अंदर जो मौजूद एटम्स हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स एक्साइटेशन का प्रोसेस जो है वो कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस इलेक्ट्रिक करंट से आने वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक एटम से आके टकराएंगे तो एटम के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हायर एनर्जी स्टेट पर पहुँचाएंगे और फिर कुछ टाइम के बाद वो जब वापस आते हैं तो अपने साथ एक लाइट को एमिट आउट कर देते हैं, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो क्या हो जाती है, एमिट आउट होगी। सेम ऐसे ही बहुत से एटम्स हैं तो बहुत से एटम्स के अंदर से यूं ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो एमिट आउट होती जा रही हैं। अब हर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ पे एमिट आउट होंगी उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी, उनकी डिफरेंट इंटेंसिटीज़ होंगी, तो ये मिलके बहुत सी वेवलेंथ्स और इंटेंसिटीज़ वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पूरा एक स्पेक्ट्रा बना देंगे, एक पूरा एक आप ये कह लें कि एक सेट ऑफ वेवलेंथ और सेट ऑफ इंटेंसिटीज़ जो है वो फॉर्म करवा देते हैं। तो ऐसा जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जो कि किसी एटम के अंदर एक्साइटेशन का प्रोसेस होने से प्रोड्यूस होगा उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो है वो नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हम इस स्पेक्ट्रा को विजुअलाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है, देखना चाहते हैं कि किस तरह का जो है वो स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ से इस हाइड्रोजन गैस से जो हमारे पास लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, यहाँ से ये लाइट जो है वो प्रोड्यूस हुई हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। इस लाइट को स्टूडेंट्स हम पास करवा देते हैं किसके थ्रू, एक प्रिज्म के थ्रू। प्रिज्म के थ्रू जब ये लाइट पास होती है तो प्रिज्म इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर देता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको रेड में इस तरह से ले लेते हैं, रेड लाइट में इससे कन्वर्ट किया, ब्लू में किया, येलो में किया, इसी तरह वॉयलेट कलर में किया। सो यहाँ पे प्रिज्म से पास होने के बाद हमारी जो लाइट है उसके अंदर क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग प्रोड्यूस हो जाएगी और हमें यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ्स नज़र आ रही हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो सब क्या कहला रही हैं, ये इस टाइम एक सेट बना हुआ है वेवलेंथ्स का, तो इसे हम स्पेक्ट्रा कहेंगे। और क्योंकि ये स्पेक्ट्रा जनरेट हुआ है हाइड्रोजन गैस के अंदर मौजूद एटम्स के अंदर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन करवाने की वजह से, तो हम इसको जो है वो स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो है वो नाम दे देते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था ये फॉर द फर्स्ट टाइम किसने जो है वो एक्सप्लेन किया, तो जो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे आता है वो था बाल्मर, ठीक है। बाल्मर एक साइंटिस्ट था जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रा को जो है वो कंसिडर किया और इसने जो स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया उसको ये इसने एक स्पेशल नाम प्रोवाइड कर दिया जिसको हम बाल्मर सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। जो इसने एक स्पेक्ट्रा प्रोवाइड किया उसके अंदर जो जो डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ रेंजेस आ रही थी उसको इसने बाल्मर सीरीज़ का जो है वो स्टूडेंट्स नाम दिया और इसने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। उस मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू जो फार्मूला था जो कि डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ रेंज को जो कि हाइड्रोजन एटम से मिली थी उनको एक्सप्लेन करता था, वो फार्मूला क्या था, 1/λ इज इक्वलेंट टू आर एच इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी ना, वो अगर हमें जो है वो नेक्स्ट सीरीज़ फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आप n की वैल्यू ले सकते हैं 3, 4, 5 अप टू सो ऑन. सो यहाँ से हमें जो है वो डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ्स की जो है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी उनका जो है वो आइडिया हो जाता है. तो बाल्मर ने ये एक फार्मूला एक्सप्लेन किया और उसने कहा कि इस फार्मूला के अंदर जैसे जैसे आप n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको एक पूरी सीरीज मिल जाएगी किस चीज़ की, वेवलेंथ्स की, ठीक है. और उस वेवलेंथ की पूरी सीरीज़ को आप नाम दोगे क्या, बाल्मर सीरीज़ का, ठीक हो गया. इसके अलावा बाद में थोड़ा टाइम गुजरने के बाद और भी बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे से स्टडी किया और उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम एमिट आउट हुआ था डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए, उसमें सिर्फ बाल्मर सीरीज़ नहीं थी, उसमें और भी बहुत सी सीरीज़ जो हैं वो कंसिडर की गई थी. तो उनको भी अगर हम जो है वो कंसिडर कर लें तो हम देखते हैं कि क्या क्या वो मज़ीद सीरीज़ जो हैं वो हमारे पास आती हैं. सो हम उनको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं. जो इसके अलावा जो सीरीज़ थी वो थी सबसे पहली लाइमन सीरीज़, और ये भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करती थी. लाइमन सीरीज़ के अकॉर्डिंगली जो फार्मूला था वो हमारे पास क्या था, RH 1/1² - 1/n² का. अब जो लाइमन सीरीज़ थी ना, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में जो आपके पास डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट आउट हुई थी, वो किस नेचर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट आउट हुई थी वो तमाम इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट जो है वो एमिट आउट हुई थी यहाँ पे. उसके बाद जो है वो अगर हम बात करें तो सेकंड जो सीरीज़ आई वो यही थी, बाल्मर सीरीज़. इसके लिए जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक स्पेक्ट्रम बाहर एमिट आउट हुआ वो भी विजिबल लाइट के लिए था. थर्डली अगर हम बात करें तो ये तो सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है. जो थर्ड हमारे पास सीरीज़ आती हैं उनको पैस्किन सीरीज़ कहते हैं, और पेस्किन सीरीज़ का जो फार्मूला है वो 1/λ इज इक्वलेंट टू RH 1/3² - 1/n² है, ठीक है. अब ये वाला जो आपके पास सीरीज़ है ये जिस वेवलेंथ रेंज को एक्सप्लेन करती है उसके अकॉर्डिंगली रेडिएशन जो है वो इंफ्रारेड रेंज में जो है वो क्या हुई थी, एमिट आउट हुई थी. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ लाइमन सीरीज़ की जो आपके पास वेवलेंथ लाइट एमिट आउट होती है वो यूजुअली यूवी लाइट होती है, ठीक है. ये क्या मिस्टेक थी. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फोर्थ जो सीरीज़ आई उनको जो है वो क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ब्रैकेट सीरीज़. अब ब्रैकेट सीरीज़ का जो फार्मूला था वो है 1/λ इज इक्वलेंट टू RH 1/4² - 1/n² की फॉर्म में. और बिल्कुल जो हमारे पास लास्ट आता है वो है जो कि हमारे पास पी फंड सीरीज़ कहलाती है, उनको लिख लेते हैं यहाँ पे फिफ्थली पी फंड सीरीज़. और उसका फार्मूला है 1/λ इज इक्वलेंट टू RH 1/5² - 1/n², ठीक है. ये चीज़ आ गई. अब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि n की वैल्यूज़ डिफरेंट में क्या क्या होंगी, क्योंकि ये फार्मूला तो सिर्फ एक एक वेवलेंथ को एक्सप्लेन करेगा. आगे हम n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें पूरी पूरी सीरीज़ जो है वो मिल जाएंगी. तो बाल्मर सीरीज़ किससे पहले हम लाइमन सीरीज़ को कहें तो यहाँ पे n की वैल्यू 2, 3, 4 अप टू सोन होगी, यानी यहाँ जो इंटीजर होगा n की वैल्यू उससे नेक्स्ट होगी. सेम ऐसे ही जो हमारी बाल्मर सीरीज़ है वहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 से आगे, यानी 3, 4, 5, 6 अप टू सोन. सेम ऐसे ही जो हमारी पेस्किन सीरीज़ है उसके अंदर n की वैल्यू क्या होगी, इससे आगे, यानी 4, 5, 6 अप टू सो ऑन. और ब्रैकेट सीरीज़ में n की वैल्यू आ जाएगी 5, 6, 7 अप टू सो ऑन. और लास्ट है हमारे पास पीफेंड सीरीज़, उसके अंदर जो हमारी n की वैल्यू आएंगी वो होंगी 6, 7, 8 अप टू सो ऑन. तो ये तमाम जो हमने सीरीज़ फाइंड की ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो किसका एक्सप्लेन करती हैं, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है. तो हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए इन तमाम को जो है वो स्टडी किया गया और पता चला कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर ये तमाम तरह की सीरीज़ जो है वो इंक्लूड होती हैं. सो ये था हमारा टॉपिक नंबर 20.1, डेट इज़ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा.